Hello everyone, welcome back to my channel. It's me Pragyan. In today's video I'm going to share with you the review of this cult favorite product. So this is the Maybelline Fit Me Compact Powder. So in this video I'm going to share all the details about this product and whether you should buy this or not and how this product works on me. So if you are interested to know all that, please keep on watching this video till the end, and without any further delay, let's quickly jump into the video. So guys, no matter what skin type you are, whether you are oily or dry or combination, you have to set your makeup, I mean your base makeup, with a compact or a loose powder. Because agar aap makeup ko compact ya loose powder se set karte ho to ye long lasting ho jata hai aur sath hi sath oil control bhi hota hai. Matlab agar aapka oily skin hai to oil secretion thoda kam hota hai, आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है और दिखने में भी बहुत ही अच्छा होता है और आपका मेकअप क्रीज नहीं होता है, विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ यूजिंग अ कॉम्पैक्ट और अ लूज पाउडर. सो दिस टाइम आई एम गोइंग टू शेयर द रिव्यू ऑफ दिस पाउडर. सो दिस इज द मेबलिन फिट मी कॉम्पैक्ट पाउडर एंड दिस इज 12 आवर ऑयल कंट्रोल पाउडर एज इट क्लेम्स एंड आई एम इन द शेड 112 नेचुरल आइवरी. और ये शेड मेरे लिए थोड़ा सा लाइटर है. इसके पहले आई वॉज यूजिंग 128 न्यूड, विच वॉज द राइट शेड ऑफ माइंड. बट दिस टाइम आई पिक दिस अप बिकॉज 128 न्यूड वो जो था वो आउट ऑफ स्टॉक हो गया था, तो मैंने ये वाला पिक किया. ये थोड़ा सा लाइटर है मेरे स्किन टोन के हिसाब से, बट फिर भी चल जाता है. मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, कोई व्हाइट कास्ट वगैरह नहीं छोड़ता है. बिकॉज मैं अपने मेकअप को सेटिंग स्प्रे से सेट करती हूँ एंड में, सो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है. बट मेरा एक्चुअल शेड जो है 128 न्यूड. सो ये कॉम्पैक्ट पाउडर 6 शेड्स में अवेलेबल है एंड आई थिंक दैट कॉम्पैक्ट पाउडर के लिए 6 शेड इज़ ओके. आई मीन अगर आप इंडिया से हो तो ये 6 शेड्स में थे आपका शेड्स तो मिल ही जाएगा आई थिंक, बिकॉज कॉम्पैक्ट पाउडर्स में उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है शेड्स में. मतलब 2 शेड या 3 शेड इधर उधर होता तो चल जाता है. एंड फाउंडेशन अगर आप यूज़ कर रहे हो तो उसके लिए आपका एक्चुअल शेड मिलना बहुत ही ज़रूरी है, बट कॉम्पैक्ट्स में फिर भी चल जाता है. एंड आज भी मैंने इसको भी लगाया हुआ है और इसका पैकेजिंग बहुत ही अच्छा है गाइस. आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा कार्डबोर्ड का पैकेजिंग है और आपको फ्रंट में इसका नेम्स मिल जाएगा और पीछे इंग्रेडिएंट्स और प्राइसेस, मैन्युफैक्चर डेट, पैकेजिंग का डिटेल्स मिल जाएगा. और इसका इनर पैकेजिंग कुछ ऐसा है, ये प्लास्टिक का एक रैप आता है एंड दिस इज़ द एक्चुअल प्रोडक्ट. सो यू कैन सी इसके पीछे भी आपको इसका पूरा इंग्रेडिएंट्स का लिस्ट और डिटेल्स मिल जाएगा, एक्सपायरी डेट्स वगैरह. सो दिस इज़ द प्रोडक्ट. ये बहुत ही नाइस ब्लैक कलर का पैकेजिंग है और इसका एक आपको मिरर मिल जाएगा, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का एक मिरर मिल जाएगा. और यहाँ पर आपको एक पफ मिल जाएगा नॉर्मल कॉम्पैक्ट पाउडर की तरह, और मैंने यूज़ किया हुआ है आप देख सकते हो, तो ये पफ थोड़ा डर्टी है. एंड दिस इज़ द कॉम्पैक्ट पाउडर और मैं आपको स्वच्छ करके दिखा देती हूँ. ये बहुत ही अच्छा सा फॉर्मूला है गाइस, बहुत ही सॉफ्टली मिल्ट है. मतलब टच करने में बहुत ही बटरी सॉफ्ट जैसा लगता है, इट्स नॉट चॉकी एट ऑल. और बहुत ही अच्छे से आपके फेस में अप्लाई होता है और फाउंडेशन को बहुत ही अच्छे से सेट करता है. एंड गाइज, आई हैव ऑयली स्किन एंड व्हेन आई अप्लाई इट माई मेकअप रियली स्टेज फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. ज़्यादा ऑयल सिक्रेशन नहीं होता है एंड ये बहुत ही अच्छे से मेकअप को सेट करता है और क्रीज नहीं होता है. बिकॉज व्हेन आई स्वेट आई क्रीज फ्रॉम माई स्माइल लाइन एंड इन माई अंडर आई एरिया. बट अगर मैं इससे सेट करती हूँ तो काफ़ी हद तक ये उसको मतलब नहीं होने देता है, क्रीजिंग नहीं होने देता है. तो आप डेफिनेटली इसको एक बार ट्राई कर सकते हो. अगर आप एक अफोर्डेबल और अच्छा कॉम्पैक्ट पाउडर सर्च कर रहे हो तो आप डेफिनेटली इसको ट्राई कर सकते हो. वैसे ये बहुत ही अच्छा मतलब पॉपुलर प्रोडक्ट है, कल्ट फेवरेट प्रोडक्ट है गाइज. सो आप डेफिनेटली इसको ट्राई कर सकते हो. और ये पाउडर मैट फिनिश देता है और पोरलेस इफेक्ट देता है. मतलब अगर आपका पोर्स ज़्यादा दिखता है तो
ये थोड़ा बहुत आपका पोर्स को ढक देता है, मतलब आपको प्राइमर यूज़ करना होता है पोर्स को ढकने के लिए, मतलब सिलिकॉन वाला प्राइमर अगर आपका ज़्यादा पोर्स है, लेकिन अगर थोड़ा बहुत पोर्स है तो ये कवर कर देता है, मतलब काफ़ी हद तक तो नहीं कहूँगी लेकिन थोड़ा बहुत तो पोर्स को कवर कर ही देता है। और ये मैट फिनिश का है, तो अगर आपका ऑयली स्किन है तो ये तो बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है आपके लिए। एंड इफ़ यू स्टिल हैव ड्राई स्किन देन यू कैन स्टिल यूज़ दिस प्रोडक्ट, मतलब पूरे फेस पे आप नहीं अप्लाई कर सकते हो, मतलब अगर आपका टी जोन सिर्फ ऑयली है तो उसमें अप्लाई करो, या फिर सिर्फ स्माइल लाइन और अंडर आइज को सेट कर दो एंड यू आर गुड टू गो। और दूसरा जो पॉइंट मुझे इसका सबसे अच्छा लगता है वो है कि ये SPF 28 के साथ आता है, तो अगर आप बाहर जा रहे हो धूप में, मतलब दिन में अगर कोई बाहर जा रहा है तो ये डेफिनेटली उसका मतलब काइंड ऑफ सनस्क्रीन का काम कर सकता है। बिकॉज सनस्क्रीन क्या होता है कि अगर आप मेकअप करके बाहर जा रहे हो तो आप उसको रीअप्लाई नहीं कर सकते हो, बट अगर आपके पास एक कॉम्पैक्ट पाउडर है जिसका SPF मतलब 28 या फिर उसका आसपास है, तो आप डेफिनेटली इसको रीअप्लाई कर सकते हो, तो आपका मेकअप भी नहीं ख़राब होगा। और सनस्क्रीन अप्लाई करने से अच्छा तो आप एक कॉम्पैक्ट पाउडर ही अप्लाई करो, मतलब मेकअप भी अच्छा रहेगा, ख़राब नहीं होगा और बहुत इजी टू अप्लाई है। और आप इसको इजीली अपने पर्स में कैरी कर सकते हो अगर आप कहीं भी ट्रैवल कर रहे हो तो ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है गाइस। एंड इसका प्राइस भी बहुत ही अफोर्डेबल है, इट जस्ट रिटेल्स फॉर 199 रुपीज़, और आप इसको डेफिनेटली डिफरेंट वेबसाइट्स में डिस्काउंट में खरीद सकते हो। मैंने इसे नायका से लिया था, आई गेस, आई रियली डिडंट रिमेम्बर। एंड इसका फ्रेग्रेंस भी मतलब बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा फ्रेग्रेंस है, मुझे ये फ्रेग्रेंस बहुत ही पसंद है। और अगर आप फ्रेग्रेंस सेंसिटिव हो तो ये आपको कोई प्रॉब्लम नहीं देगा आई थिंक, एंड आप इसको डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। सो दैट इज इट फॉर टुडे गाइस, इफ यू लाइक दिस वीडियो एंड फाउंड दिस यूजफुल डोंट फॉरगेट टू गिव दिस अ बिग फैट थम्स अप एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू हैवेंट ऑलरेडी एंड क्लिक दैट बेल नोटिफिकेशन बटन नेक्स्ट टू इट, सो वेन एवर आई अपलोड सच वीडियोज यू विल गेट नोटिफाइड। एंड ऑल्सो कॉमेंट डाउन बिलो एंड लेट मी नो वट यू थिंक ऑफ माई वीडियोज, दैट विल रियली मेक माई डे। एंड ऑल्सो सजेस्ट मी सम गुड कॉम्पैक्ट पाउडर विच यू हैव यूज, बिकॉज आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू ट्राई सम अदर कॉम्पैक्ट पाउडर, बिकॉज मैं कब से ये मेबलिन और फेसेस कनाडा ये दो तीन कॉम्पैक्ट पाउडर्स ही ट्राई करती आई हूँ, सो आई रियली वॉन्टेड टू ट्राई सम गुड कॉम्पैक्ट पाउडर्स विच यू हैव यूज एंड यू हैव लाइक्ड, सो लेट मी नो प्लीज। एंड डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक, द लिंक्स विल बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम स्टे हैप्पी स्टे सेफ एंड स्टे ट्यून्ड, बाय बाय गाइस।